हमारे पास टाइम काफी है बच में. अच्छा जी, और फ्रेंडशिप में देखिएगा कि बेकन फ्रेंडशिप के बारे में अब हमें क्या कहता है. क्या फ्रेंडशिप जो है वो कैसी होनी चाहिए, उसके अंदर लॉयलिटी है नहीं है, और क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीजें हमें फ्रेंडशिप में मिलेंगी. फ्रेंडशिप में देखते हैं, और फ्रेंडशिप एज अ प्रैग्मेटिक एंड एज एन एम्पायरिकल थिंकर बेकन फॉलोड टू फंडामेंटल रेनेसा प्रिंसिपल सेपेंशिया और सर्च फॉर नॉलेज एंड एलोकेंट द आर्ट ऑफ रिटोरिक. दिस एक्सप्लेन्स टू सम एक्सटेंट द इम्पैशन्ड प्रेजेंटेशन ऑफ हिज आइडियाज एंड व्यूज एंड द एफोरिस्टिक स्टाइल ऑफ हिज राइटिंग. वो एज अ, अगर उसको एज अ प्रैग्मेटिक देखा जाए और एम्पायरिकल थिंकर देखा जाए, तो बेकन ने फॉलो किए टू फंडामेंटल रेनेसा प्रिंसिपल्स को. किस किस को? सेपेंशिया और सर्च फॉर नॉलेज नंबर वन, एंड एलोक्वेंस द आर्ट ऑफ रिटोरिक. आर्ट ऑफ रिटोरिक में ये है कि रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, रिटोरिकल क्वेश्चंस होते हैं, और वो क्वेश्चंस करके फिर एक तरह से रीडर को उसकी जो अटेंशन है उसको कैच किया जाता है थ्रू डिफरेंट क्वेश्चन. इसको कहते हैं आर्ट ऑफ रिटोरिक. ठीक है, दिस एक्सप्लेन्स टू सम एक्सटेंट द इम्पैशन्ड प्रेजेंटेशन ऑफ हिज आइडियाज एंड व्यूज एंड द एफोरिस्टिक स्टाइल ऑफ हिज राइटिंग. बट द एसे ऑफ फ्रेंडशिप इज स्टाइलिस्टिकली समवर्ट डिफरेंट इन दैट इट कंटेन्स द पैशनेट फ्लैटरिंग स्टेटमेंट अलॉन्ग विद प्रोफ्यूज एनालॉजीज एंड एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट or explain his arguments, perhaps because this essay was occasioned by request of his friend Toby Matthew. Uske ek friend ne request kiya tha usse, Toby Matthew ne, ke wo jo hai ek wo likhe. Acha, isme dekhen ek word aaya hai, analogies. Analogies kise kehte hain? Profuse analogies. Analogy ek aisi kitab ko kehte hain jiske andar baki sare writers ki, jaise hum dekhte hain na bachon ki poems wali jo book hoti hai. That is an analogy. ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे दूसरे राइटर्स की किताबें भी, किताबों की छोटी छोटी पोएम्स जो है उसके अंदर डाल दी जाती हैं. यानी कि डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर एक ही किताब के अंदर जब हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर कुछ चीज़ें कंबाइन कर देते हैं, उसकी कलेक्शन होती है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स या कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एसेज, तो हम उसको कहते हैं दैट इज एन एनालॉजी. बेकन बिगिंस द एसे बाय इनवोकिंग द क्लासिकल अथॉरिटीज ऑन बेसिक ह्यूमन नेचर. बेकन जो है ऐसे शुरू करता है कैसे, इनवोक द क्लासिकल अथॉरिटी ऑन बेसिक ह्यूमन नेचर. फर्स्ट ही रेफर्स टू अरिस्टोटल व्यू इन पॉलिटिक्स. सबसे पहले क्लासिकल में वो क्या चीज करता है, वो अरिस्टोटल व्यू देता है पॉलिटिक्स में. हूसोएवर इज डिलाइटेड इन सॉलिट्यूड इज आइदर अ वाइल्ड बीस्ट और गॉड. वो कहता है कि जो भी डिलाइट होता है सॉलिट्यूड में, यानी कि जिसको दोस्त पसंद नहीं होते, इंसान शायद पसंद नहीं होता, वो शायद अ वाइल्ड बीस्ट होता है या वो एक गॉड होता है. यानी कि खुद अपनी खुद ही के अंदर ही वो खुद खुश रहना पसंद करता है. अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल अ मैन बाय नेचर एंड बिहेवियर मे बी डिग्रेडेड टू सच एन एक्सटेंट दैट ही मे बी कॉल्ड अनफिट फॉर सोसाइटी. अगेन, ही मे बी एक मैन बाय नेचर और बिहेवियर इस तरह का अगर है तो उसको डिग्रेड करना चाहिए टू सच एन एक्सटेंट दैट ही मे बी कॉल्ड अनफिट फॉर सोसाइटी, कि वो जो है अनफिट है एक सोसाइटी में. देखिए बेटा, कोई भी इंसान, नो मैन इज एन आइलैंड. एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये बल्कि कोट लिख लें, नो मैन इज एन आइलैंड. टू लिव इन अ सोसाइटी यू हैव टू बिल्ड अप रिलेशन. अगर आपके आपस में रिलेशंस नहीं होंगे, अंडरस्टैंडिंग्स नहीं होंगी, आप एक नो मैन इज एन आइलैंड. देखिए, आइलैंड क्या होता है, एक जजीरा होता है जिसके गिर्द पानी पानी होता है और वो अपने, हाँ लिख दे, नो मैन इज एन आइलैंड. ये कौन लिख रहा है, बड़ा अच्छा लिख रहा है. तो अब उसमें ये होता है कि देखिए, कोई भी इंसान ना अकेला नहीं रह सकता. लिख दें, बहुत अच्छी बात है, लिख दें. तो इंसान कभी अकेला बैठा जिंदगी गुजार नहीं सकता. ठीक है, और अल्लाह के बंदों से प्यार करना सीखे. हर बंदा बड़ा प्यारा है, ये सोच के प्यार कर लिया करें कि अल्लाह का बंदा. ठीक है, और ये बड़ी प्यारी एक चीज है जो मैंने अपनी जिंदगी में से सीखी और उसको मैंने देखा और वाकई इसमें बड़ा सुकून है. तो कोई भी इंसान, वो नो मैन इज एन आइलैंड. आपका क्या ख्याल है, मेरी अकेडमी खाली मेरी वजह से चल रही है? नहीं, मेरे स्टूडेंट्स की वजह से चल रही है.
मैं मेरे स्टूडेंट्स हमारा आपस में एक रिलेशन है तो चल रही है ना. अगर खाली मैं यहाँ पे बोलती रहूंगी और ऑडियंस नहीं होगी तो क्या ये चलेगा? कभी भी नहीं चलेगा. तो इस वजह से इसी तरीके से अगर मेरे घर में ये इतना कुछ है, लाइक अगर घर में मेड है, सारा कुछ है, तो आई हैव टू मेक अ ब्यूटिफुल रिलेशन विद हर. ठीक है, वो मेरे अंडर है या जो भी है, लेकिन मुझे उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप करना चाहिए. क्यों? क्योंकि मैं कभी उसको, मैं अगर आज आपको सुकून से लेक्चर दे रही हूँ तो मैं उसकी वजह से दे रही हूँ. तो फिर उसकी छोटी छोटी गलतियों को, उसकी छोटी छोटी कोताहियों को अगर माफ करने के साथ साथ चले हो जाती है. आई नो कि बहुत इन लोगों का मेंटल कैलिबर बहुत लो होता है, लेकिन क्या हम ये चीज भूल जाते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हमारा स्टेटस और है और उनका स्टेटस और है. यहाँ पे तो बात हमें समझ आ जाती है कि ये लोग जाहिल है और हम शायद बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमें ये बात समझ नहीं आती कि बेटा उनका मेंटल कैलिबर बहुत लो होता है और उनको हमें बच्चों की तरह ट्रीट करना पड़ता है, उनको हमें प्यार से रखना पड़ता है, तब जाके आपकी गाड़ी चलती है. अदरवाइज अगर मैं हर वक्त गुस्से में रहूंगी, मैं उसको डांटती रहूंगी, तो क्या मेरा काम चलेगा? कभी भी नहीं चलेगा. ठीक है, एक तो मैं वैसे ही, वो शायद काम कर भी देगी मेरे डर की वजह से, लेकिन द थिंग इज दैट मैं कितनी इरिटेटेड रहूंगी, इसलिए मेरी बड़ी जान निकलती है औरों को डांटने से. और मैं हमेशा एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ उन्हें, बच्चों से भी और अपने जितने भी नीचे वाले, मैं कहती हूँ यार मुझसे ना खुदा के वास्ते मुझे यहाँ तक ना पहुंचाया करो कि मुझे डांटना पड़े. लेकिन मैं खुद भी बहुत कोशिश करती हूँ कि मुझे गुस्सा ना आए. ठीक है, तो इस चीज पे अगर थोड़ा सा, अगर आपको ये चीज फील हो जाए कि मैं इस सोसाइटी का पार्ट हूँ, ये जितने भी लोग हैं ये मेरे ही हैं. ठीक है, ये घर में जितने भी लोग हैं, चाहे वो सर्वेंट्स हैं, चाहे वो बड़े हैं बूढ़े हैं, ये सब मेरे हैं, तो एक्चुअली फिर एक सोसाइटी क्रिएट होती है. ये जो मेरे साथ वाले हमसाए हैं, किसी के घर में भूख है, प्यास है, उसको देखें थोड़ा सा, तो आप देखेंगे आपके सोशल रिलेशंस बिल्डअप होना शुरू.